ये पेन आपको पहली बार हुआ है क्या? नहीं जी, पहले भी हुआ है मुझे। तो आपने चेकअप क्यों नहीं करवाया? मुझे लगा मामूली सा पेन है, नॉर्मली पेन किलर्स लेती थी तो ठीक हो जाता था, लेकिन इस दफा तो पेन किलर से भी ठीक नहीं हुआ। मुझे ये मामूली पेन नहीं लगता। डॉक्टर, कोई खतरे की बात है क्या? हो भी सकती है, लेकिन ये तो अल्ट्रासाउंड करने के बाद ही मालूम होगा। आप किसके साथ आई हैं? ड्राइवर के साथ आई हूँ। आपके शौहर कहाँ है? जी वो काम की वजह से मसरूफ थे। मसरूफ हैं या आपको इग्नोर करने लगे हैं? एक्सक्यूज मी, अक्सर मिस कैरिज के बाद ऐसा होता है कि शौहर का रवैया बदल जाता है, लेकिन ये फितरी बात है। खैर, मैं आपको अल्ट्रासाउंड लिख देती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। अम्मी, अम्मी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। मत कहो मुझे अम्मी, आज से तुम मेरे लिए नहीं, मैं तुम्हारे लिए मर गई हूं। अम्मी, इस तरह जज्बाती तो मत हो। तो क्या करूं, क्या करूं मैं? जश्न मनाऊं, गली गली जाके तुम्हारे कारनामे सुनाऊं? बस नूर के, इसलिए तुम लोगों को दिखाना बहुत जरूरी था। उसे कोताही हुई, मुझे ये सब बहुत पहले बता देना चाहिए था, अरसम और नूर की शादी से पहले, ताकि अरसम की जान बच जाती और उसके घर वालों को ये दिन ना देखना पड़ता। अब सही है नहीं, नूर एक मुसीबत और वफाल है। फपाल थी वो तुम्हारे लिए, अल्लाह का शुक्र करो कि तुम्हारी उससे जान छूटी। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये घटिया हरकत करने की जरूरत क्या थी आखिर? हर औरत के साथ उसका माजी होता है, वो ससुराल जाने से पहले अपना माजी अपने मैके में दफन करके जाती है। वो नहीं चाहती कि उसका माजी दोहराया जाए, लेकिन तुमने नूर के मियाँ के सामने जाके उसका माजी खोल दिया। इतनी गिरी हुई हरकत की तुमने, ये भी नहीं सोचा कि वो तुम्हारे मामू की बेटी है, मेरी भतीजी है वो। न अपने मामू का लिहाज किया, न ही अपनी माँ का। क्या कर दिया तुमने, कभी सोचा तुमने? अभी आप इस तरह परेशान मत हो, आप बीमार हो जाएंगे। तुम इससे बात ही मत करो, चलो जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं दिख, चले जाओ यहाँ से। अम्मी, अब मेरी बात तो सुने। मैंने तुम्हें कहा ना मुझे तुमसे बात नहीं करनी, निकलो मेरे कमरे से। अम्मी, मेरी बात समझने की कोशिश तो करें प्लीज। तुम जाते हो कब? मैं ही चली जाती हूँ। अब मेरी बात तो